लिए लेके आए हैं क्रिश 3 मूवी के मेकिंग एंड बिहाइंड द सीन्स। एंड टुडेस वीडियो के थ्रू आप सभी को पता चलेगा कि क्रिश 3 मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट मूवी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यार, इस ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर है राकेश रोशन सर, जो की इस फिल्म के हीरो के यानी की ऋतिक रोशन सर के पिताजी है। एंड यार, क्रिश मूवी सीरीज में ना अभी तक केवल 3 फिल्में आई है, पहला कोई मिल गया एंड सेकेंड जो है अपना क्रिश एंड थर्ड जो है क्रिश 3। एंड यार, इन तीनों फिल्मों का डायरेक्टर है राकेश रोशन सर, जो की ऋतिक रोशन सर के पिताजी हैं। तो यार, बात यहाँ पे आई गई है तो इस मूवी के बजट से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो यार, क्रिश 3 मूवी का जो बजट है ना वो 94 करोड़ था। एंड बाद में ये मूवी ने काफी ज्यादा अर्निंग किया, 394 करोड़ कमाई की यार। इस मूवी की शूटिंग 2D में किया गया था, बट रिलीज जो है ना 3D में करना था, बट मूवी के डिले के कारण इसे 2D में ही रिलीज किया गया। एंड उस टाइम पे जो है ना ये मूवी काफी चली एंड काफी ताबड़तोड़ कमाई की थी। एंड ब्रो यार देखो, ऋतिक रोशन सर जो है ना इस वाले मूवी में 3 कैरेक्टर प्ले किए हैं, पहला कृष्णा मेहरा एंड दूसरा क्रिश एंड तीसरा जो है कृष्णा के पिताजी यानी कि रोहित मेहरा की, जो कि यार एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं। एंड यार, ऋतिक रोशन सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इन तीनों रोल को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। एंड बात करें इस मूवी के मेन विलन की तो वो विवेक ओबेरॉय हैं, जो कि इस मूवी में काल का रोल प्ले किए हैं। एंड विवेक ओबेरॉय ने अपने भयानक और तूफानी अंदाज से इस मूवी को कुछ अलग ही लेवल पे ले गए हैं। आपने यार मूवी में देखा होगा कि इनका एक एक डायलॉग काफी कमाल का था। मूवी में विवेक ओबेरॉय को बिल्कुल शांत स्वभाव में दिखाया गया है, जिनका एक हाथ एक्टर के अलावा कुछ काम नहीं करता है। एंड जब काम करने लगता है ना तो पूरा तबाही मचा देते हैं यार। जहाँ पे भी रिसर्च करते हैं इस फिल्म को शूट करने के लिए ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया था। एंड बाद में यार इसे थिएटर्स के जरिए ना एक महंगा लैब की तरह बना दिया जाता है। काल के लैब के बारे में यार आपको तो पता ही होगा कि ये बर्फीले पहाड़ों के ऊपर में था। आप यार यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरे सिनेरियो को कैसे वीएफएक्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए तैयार किया गया था। एंड बाद में फाइनल लुक दे दिया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि काल के वैज्ञानिक कैसे रिसर्च कर रहे हैं। आसपास आपको मानवर भी दिख रहे होंगे। इस वाले सीन को फिल्माने के लिए ना ब्लू बैकग्राउंड का यूज एंड ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया गया था। ब्रो, इस सीन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जब काल फ्रॉग मैन को बनाते हैं एंड जब ये फ्रॉग मैन अपने लंबे जीभों की सहायता से उड़ते हुए तितलियों को पकड़ के खा जाता है। एंड यहाँ पे जो उड़ती हुई तितलियाँ है ना, इसे CGI की मदद से बनाया गया था। यहाँ तक कि इस फ्रॉग मैन की जीभ को भी बनाया गया था CGI की मदद से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उड़ते हुए तितलियों को किस तरह से CGI की मदद से बनाया गया था। एंड इसके साथ साथ कंगना रनावत, जो कि इस मूवी में काया का रोल प्ले किए हैं, जो कि एक मानवर होती है। एंड काया के पास ऐसी शक्ति होती है कि जब चाहे किसी का भी रूप ले सकती है। एंड इसके साथ साथ यार कंगना रनावत का जो एक्टिंग था ना मूवी में काफी जबरदस्त एंड काफी नेक्स्ट लेवल का था यार। एंड इसके साथ साथ यार आप कंगना रनावत को एक्टिंग वाले सीन की शूटिंग करते हुए देख सकते हैं। यार अभी तक जो है ना, मैंने आपको मानवर मानवर बोल करके कान बहरा कर दिया होगा, बट आपको मानवर के बारे में नहीं बताया कि मानवर का मतलब क्या होता है। मानवर का मतलब यार सिंपल है, आधा मानव एंड आधा जानवर, उसे हम मानवर कहते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आपको तो ये वाली सीन आ गई होगा, जब काया एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से कूद जाती है, बट डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये सीन जो है ना कंगना रनावत का मूवी में बेस्ट सीन में से एक था यार, काफी नेक्स्ट लेवल का था यार ये वाला सीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले सीन की शूटिंग करने के लिए कितने सारे ब्लू बैकग्राउंड एंड ग्रीन बैकग्राउंड का यूज किया गया था। जैसा कि ब्रो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वाले सीन की शूटिंग किस प्रकार से की गई थी। एंड इसे बाद में VFX एंड CGI की मदद से कितना भयानक रूप दे दिया जाता है यार, लगता है जैसे कि यार वाह सच में यार रियल में होगा ऐसा। एंड इसके साथ साथ इस वाले मूवी में ना बहुत ही ज्यादा बॉडी डबल का यूज किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कृष्णा के साथ है वो रोहित मेहरा नहीं है, बट बाद में से CGI की मदद से जो है ना रोहित मेहरा को वहाँ पे सेट किया जाता है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो पीछे है ना वो कृष्णा नहीं है, कृष्णा का बॉडी डबल है, बट बाद में से जो है ना CGI की मदद से जो है ना वहाँ पे कृष्णा को सेट कर दिया जाता है। एंड इसके साथ साथ यार इस वाले मूवी में जो है ना काफी फेमस सॉन्ग्स हैं। इस वाले सॉन्ग की शूटिंग करते समय ना काफी सारे दिक्कतें आई यार, शूटिंग के बीच बीच में यहाँ पर जो है ना काफी धूल भरी आंधियां चलने लगती थी। एंड इसकी वजह से शूटिंग को जो है ना बीच बीच में रोकना पड़ता था। बट यार अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना यार हमारे वीडियोस के लिए। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉन्ग की शूटिंग चल रही है बट पीछे जो है ना आंधियां अभी भी चल रही है।
एंड अब बात करते हैं एरोप्लेन क्रैश वाला जो सीन था ना उसके बारे में। यार ये वाली सीन जो था ना मूवी में काफी खतरनाक था यार। एंड यहीं पे जो ना कृष्णा यानी कि क्रिश का एंट्री होता है। इस सीन में होता ये है कि एरोप्लेन का आगे वाला पहिया खराब हो जाता है और कृष्णा जो लोगों को बताने के लिए जाते हैं। आपने यार इस वाले सीन में जो है ना बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग देखी होंगी, बट ये बिल्डिंग्स नहीं, इन्हें सीजीआई की मदद से तैयार किया गया था। यहाँ तक कि इन बादलों को भी तैयार किया गया था सीजीआई की मदद से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आपने ये वाली सीन तो जरूर देखा होगा जहाँ पे क्रिश एक बहुत ही बड़ी छलांग लगाते हैं। एंड पीछे जितने भी बिल्डिंगे है ना उसे सीजीआई की मदद से बनाया गया था। यहाँ तक कि कृष्णा के जो उड़ते हुए ड्रेस है ना, ये पीछे जो ड्रेस होते हैं इन्हें भी सीजीआई की मदद से तैयार किया गया था। एंड यार मूवी में उड़ते हुए ड्रेस काफी कमाल के लगते हैं यार। एंड इसके साथ साथ मूवी में एक सीन था जहाँ पे कृष्णा जो है ना पूरे शहर में वायरस के एंटीडोट को फैलाते हैं, जिनका बिहाइंड द सीन आप देख सकते हैं कि कृष्णा को ग्रीन पर्दे के सामने किस तरह से रस्सियों की सहायता से उड़ाया गया था। एंड इसके साथ साथ ब्रो यहाँ पे जो उड़ता हुआ प्लेन है ना इसे भी सीजीआई की मदद से तैयार किया गया था यार। रियली ब्रो, भाई साहब इतना बड़ा एरोप्लेन को सीजीआई की मदद से बनाया गया यार, नेक्स्ट लेवल का मूवी था यार, जिनका आप बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं यार।